हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 9 दिसंबर 2018 और यह हमारी 20वीं क्लास है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड फैक्ट हो सकेंगे सभी आप तक लेकर आए हैं। आप चाहे तो क्वेश्चंस को नोट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, हाल ही में किस देश की महिला को मिस वर्ल्ड चुना गया है? क्या आप बता सकते हैं कौन सी देश की वह महिला है जिसे मिस वर्ल्ड बनाया गया है? यह है मैक्सिको देश की महिला और इनका नाम है वनीसा डी लियोन। तो सही ऑप्शन है मैक्सिको। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है, हाल ही में किस लेखक को क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड के लिए चुना गया है? क्या आप बता सकते हैं किसी इस अवार्ड के लिए चुना गया है? तो इसका सही ऑप्शन है शशि थरूर। शशि थरूर को क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है, जापान के डॉक्टर चीको असाकावा ने दृष्टिहीनों को कौन सा ऐप लॉन्च किया है? क्या आप बता सकते हैं कौन सा ऐप लॉन्च किया है? यह है नेबकोव ऐप। इसकी मदद से दृष्टिहीनों को क्रॉसिंग करने में, रोड क्रॉस करने में और यहां वहां आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारे पास है, किस कंपनी ने दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक बोट बनाई है? क्या आप बता सकते हैं वह कौन सी कंपनी है? जिसका सही ऑप्शन है कैंडिला। कैंडिला ने दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक बोट बनाई है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारे पास है, एशियाई टूर ऑफ मेरिट 2018 की खिताब किसे दिया जाएगा? क्या बता सकते हैं एशिया टूर ऑफ मेरिट 2018 का खिताब किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है शुभंकर शर्मा को। क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारे पास है, काव्य संग्रह गुलदस्ता के लेखक कौन है? क्या आप बता सकते हैं इनका नाम क्या है और इस बुक का विमोचन कहां हुआ है? तो इसका विमोचन हुआ है बिहार के पटना में और जो इसके लेखक हैं इनका नाम है लाला आशुतोष शरण। क्वेश्चन नंबर सेवन हमारे पास है, विश्व बैंक की रिपोर्ट अनुसार 2018 में प्रवासी भारतीयों ने कितने रुपए भारत भेजे हैं? तो विश्व बैंक की यह रिपोर्ट है कि भारत में 5600 अरब रुपए भारत आए हैं प्रवासी भारतीयों द्वारा। अब यहाँ पे बात आती है प्रवासी भारतीय कौन है? जो भारतीय विदेश में जाकर नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उन्हें बोला जाता है प्रवासी भारतीय। तो यह इन लोगों ने 5600 अरब रुपए भारत में भेजे हैं। यह रिपोर्ट है विश्व बैंक की। क्वेश्चन नंबर एट हमारे पास है, भारत का सबसे बड़ा नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? क्या बता सकते हैं आयोजित कहाँ होता है? क्या होता है? खजुराहो में। खजुराहो में भारत का सबसे बड़ा नृत्य उत्सव आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नाइन हमारे पास है, मध्य प्रदेश का पहला मोबाइल थाना कहाँ स्थित है? यहाँ पहला है, पहला मोबाइल थाना कहाँ स्थित है, किस जिले में है, क्या आप बता सकते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है देवास। देवास जिले में पहला मोबाइल थाना स्थित है। क्वेश्चन नंबर टेन हमारे पास है, मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त का नाम क्या है? क्या बता सकते हैं मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन है? तो इनका सही नाम है पीवी दीक्षित। पीवी दीक्षित जी मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, भाड़ा गांव किस शहर में बनाया गया है? क्या बता सकते हैं किस शहर में बनाया गया है भाड़ा गांव और यह बनाया किस लिए गया है, क्या आप ये भी बता सकते हैं? तो इनलैंड वाटर अथॉरिटी ने इसे बनाया गया है और जो गंगा से आवागमन या परिवहन होगा वो इस गांव से होकर निकलेगा और यहाँ पर भाड़ा दिया जाएगा, तो इसलिए यह है भाड़ा गांव वाराणसी में बनाया गया है। तो सही ऑप्शन है वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, देश का पहला ई भुगतान करने वाला कोर्ट कौन सा बना है? क्या बता सकते हैं कौन सा बना है? तो इसका सही ऑप्शन है पुणे। पुणे में ई भुगतान किया जाएगा कोर्ट की फीस का। तो सही ऑप्शन है पुणे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डेली करंट अफेयर्स। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। हम कल आपके साथ फिर हाजिर होंगे मध्य प्रदेश और वर्ल्ड के इंटरेस्टिंग फैक्ट और करंट अफेयर्स को लेकर। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल तक के लिए नमस्कार।